भारत सरकार के दो कानून नए और एक संशोधन, ऐसे जो चर्चा चलती है उस पर हम लोग चाहते थे कि यूनियन क्लॉज वाइज चर्चा करें, जिससे कि उसमें से रास्ता निकालने में आगे बढ़ सके। इसी पर बात चलती रही, थोड़ा बहुत बात MSP पर भी हुई, लेकिन आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके। और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा में स्वाभाविक रूप से माहौल अच्छा था, लेकिन एक्ट रिपील पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता बन नहीं पाया। लेकिन मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है, उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। सर, किसान लोग बोल रहे हैं कि हम अब सरकार के ऊपर भरोसा नहीं करते, सरकार हमें देखिए, अगर सरकार पर भरोसा नहीं होता तो 8 तारीख की बैठक क्यों तय होती। सरकार और यूनियन दोनों की रजामंदी के कारण ही 8 तारीख की बैठक तय हुई है। इसका मतलब किसानों का भरोसा सरकार पर है और सरकार के मन में किसानों के प्रति सम्मान और संवेदना है। सर, बैठक से बाहर आने के बाद किसानों ने कहा है कि आपसे डिसीजन लेने के लिए आपसे एक नेगोशिएशन में पार्टिसिपेट करते थे, क्या किसान कितना कमिटेड है आपसे फाइनल डिसीजन लेने के लिए? मैं समझता हूँ चर्चा जिस हिसाब से चल रही है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि कुल मिला के किसानों की मान्यता ये है कि सरकार इसका रास्ता ढूंढे और हम सब लोगों को आंदोलन समाप्त करने का अवसर दे। सर, सरकार से लंबा आगे आगे फाइनल डिसीजन लेने की बात थी सर, 4 तारीख को हम भी ये चीज सोच रहे थे और किसान भी इसी मुख शिकायत के अंदर, लेकिन फिर 8 तारीख की डेट मिल गई। इसकी क्या गारंटी है कि 8 तारीख के बाद फिर 14 तारीख की डेट ना मिले, अगली डेट ना मिले? देखिए, आप कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन मैं कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र नहीं हूँ। इसलिए जब इस प्रकार के विषय होते हैं तो निश्चित रूप से चर्चा के कई दौर करना पड़ते हैं, समस्या के कानूनी पहलुओं को भी ध्यान में रखना पड़ता है, पूरे देश को भी ध्यान में रखना पड़ता है। देश में करोड़ों किसान हैं, उनकी अपनी भावनाएँ हैं, उनके कानून के लाभ और हानि और हित उससे जुड़े हुए हैं। तो सरकार तो देश भर के किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है ना। तो सरकार को जब कोई निर्णय करना है तो निश्चित रूप से सारे देश को ध्यान में रखकर ही निर्णय करेगी। सर, किसानों से कहा है कि 8 तारीख को जो बैठक होगी उसमें किसानों का कोई कानून वापस कैसे लिया जाए, इस पर क्या ऐसा जो किसान कह रहे हैं वो ऐसा सही है? देखिए, दरअसल क्या है, जब चर्चा होती है विषय दो ही है मुख्य रूप से, कानून और MSP। तो चर्चा में बीच बीच में चर्चा आगे बढ़ती है, फिर पीछे जाती है, फिर आगे बढ़ती है, फिर पीछे जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कुछ इस प्रकार से कहा हो, लेकिन कुल मिला के चर्चा ठीक वातावरण में हुई और दोनों तरफ से उत्सुकता है कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकले। सर, किसान कह रहे हैं कि सर लोग बात नहीं माने, सरकार जो है जब बातचीत में शुरू में ही मंत्री ने इस तरह से साफ कर दिया कि किसान बिल जो है, कानून जो है वो वापस नहीं होंगे, तो फिर बातचीत का क्या मतलब, सिर्फ तारीख पे तारीख दे रही है सरकार? देखिए, दरअसल क्या है कि सरकार ने कानून बनाया है और सरकार ने कानून बनाया है तो किसान के समग्र हित को ध्यान में रखकर ही कानून बनाया है। लेकिन किसान के प्रति भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व तो पूरी तरह संवेदनशील है। जब किसान आंदोलन पर हैं और सरकार किसान यूनियन के साथ चर्चा कर रही है, तो हमारी अपेक्षा है कि यूनियन की तरफ से वो विषय आए जिस विषय में किसान को कोई परेशानी होने वाली है, तो सरकार खुले मन से उस पर विचार करने को तैयार है। सर, किसान दिन हो गए हैं, 7 मीटिंग हो गई है, अभी तक कुछ रेजोल्यूशन निकल करके नहीं आया, तो क्या स्ट्रेटजी गवर्नमेंट की गलत है या फार्मर्स रिलक्टेंट हैं कि वो बैकडाउन नहीं करेंगे? अभी अगर आप बता पाए, अभी 8 तारीख को 2 बजे बैठक होगी, उसमें चर्चा आगे बढ़ेगी। सर, एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि फार्मर्स चेंजिंग द गोल पोस्ट, ऑब्जर्वेशन ये था कि
सरकार इसका विचार करे कि कमेटी का गठन हुआ तब तक इसकी लॉज को होल्ड पे रखा जाए, क्या इस बारे में सरकार ने कुछ सोचा है, क्या इस बारे में कोई सजेशन आया? मैं समझता हूँ न्यायालय के विषय में कोई टिप्पणी करना इस समय उपयुक्त नहीं। सर आराम से पूछो ना, चिल्ला क्यों रहे? ऐसा नहीं है, किसान यूनियन लगातार चर्चा कर रही है और जब हम तारीख तय करते हैं तो किसान यूनियन की रजाबंदी से ही तारीख तय करते हैं, हम अपनी तरफ से तारीख नहीं देते। सर तारीख तो बहुत सारी तय हुई लेकिन सारी तारीख तय होने के बाद किसान बाहर आके कहता है कि बात वहीं के वहीं अटकी है और जब तक बिल वापस नहीं होगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, तो अगर ये बिल वापसी पे ही अगर ये अड़े रहे तो फिर सरकार का रुख क्या होगा? मुझे लगता है जल्दी समाधान होगा। स्वाभाविक रूप से रास्ता निकलने के लिए तो तालियां दोनों हाथ से ही बजती है ना। सर एमएसपी पे आपने क्या ऑफर किया आज किसानों को, क्या बातचीत हुई थी जो आप बता रहे हैं थोड़ी देर चर्चा एमएसपी पे? देखिए जब चर्चा सिरे नहीं चढ़ती है तब तक कोई भी निर्णय नहीं होता और निर्णय नहीं होता तब तक आपको बताया नहीं जा सकता। आप कई किसान संगठनों से बातचीत कर रहे हैं जो बिल के कानून के समर्थन में है, लगातार हम लोग देख रहे हैं, क्या फिर से आप उनके साथ कोई एक साथ बैठकर कोई बातचीत करेंगे क्या, इन किसानों से बातचीत करने के पहले या फिर उसके बाद? स्वाभाविक रूप से हम देश भर के किसान संगठन जो अप्रोच करते हैं सरकार को, हम उनसे भी मिलते हैं क्योंकि भारत सरकार तो सभी किसानों के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए हर किसान को भी मिलते हैं, किसान यूनियन को मिलते हैं, संगठन को मिलते हैं और निश्चित रूप से देश भर का जो मानस बनेगा उसके हिसाब से निर्णय की दिशा आगे बढ़ेगी। ठीक है।